Menteri Rang Badu Kari India Narendra Modi Hakasgi Ublei Kata Haka Khat Pratari Uno Pra Ar Haja Arpoar Ula Wan Ban Plie Bat Buh Mawnongrim Ya Bun Tylli Ki Project Kiba Kot Haduh Ar Haja Saus Pak San Poh Klur Tyngka We will now have the inauguration of the new infrastructure of the IIM Shillong. Hakni kesini umur ulai sebentaru kemukongsan hak jalan kepala pelong dengan North Eastern Council berkumjuru banyak dan bentar hak jingdap san paus nem kejelang Meghalaya. Umodi haba ajingkran hakani kesngi ulo ong pake jela megalaya ke deke jela ke beriuspa bah ke jingi tenat ke memariam berkumjuru ke jinglong ke riti ke dustur hak ke bala yo iye ke jinglong jingman ke bapah jingi beriuk ke neke jela ulo ay ke jero eki pajba ke bila yo eki neki project ke banlong ke jimento yeki hak ke pebuan kiliang Aaj North East mein hum vivado ke border nahi balki vikas ke कॉरिडोर बना रहे हैं उस पर बल दे रहे हैं बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा स्थायी शांति की राह पकड़ी नॉर्थ ईस्ट में अफवाह की आवश्यकता ना पड़े इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है यही नहीं राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे उनको सुलझाया जा रहा है साथियों हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है राष्ट्र की रक्षा भी यही से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यही से होता है इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाए लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा ये सोचा जाता है क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें नई टनल नए पुल नई रेल लाइन नए एयरस्ट्रिप जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हो